प्रिय मित्रों, देवउठनी एकादशी पर कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इस दिन व्रत करते समय कुछ विशेष गलतियों से बचना चाहिए और कुछ आहार नियमों का पालन करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम आज आपको देने जा रहे हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देवउठान एकादशी भी कहते हैं और इस वर्ष 2024 में यह 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु जी का पूजन विधि पूर्वक किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीने के चातुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और इस दौरान मांगलिक कार्यों पर रोक लगाई जाती है। लेकिन देवउठनी एकादशी के बाद विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन की पूजा विधि के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर की शाम को होगी और इसका समापन 12 नवंबर को दोपहर में होगा। इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन और प्याज का त्याग कर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगाजल मिले जल से स्नान करें। गंगा के तट पर रह रहे लोग गंगा में स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात भगवान श्रीहरि विष्णु जी का पूजन कर दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में फिर से आरती कर फलाहार करें और 13 नवंबर को पारण करें। देवउठनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से आध्यात्मिक उन्नति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करने से आर्थिक उन्नति होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्तों के साथ सफेद मिष्ठान का भोग अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह भी इस दिन एक विशेष महत्व रखता है। तुलसी के पौधे के चारों ओर दीप जलाकर, रंगोली सजाकर, शंख, चक्र और गौ माता के चरण चिन्ह बनाना अति शुभ होता है। कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करते हैं। तुलसी के साथ साथ आंवले का पौधा लगाना और उसकी पूजा करना भी शुभ माना गया है। यह माना जाता है कि नारायण आंवले में और लक्ष्मी तुलसी में विराजमान होती है और इनकी संयुक्त पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी के दिन धन समृद्धि और सुख शांति प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी का अष्टोत्तरा या दामोदर अष्टोत्तरा पाठ अवश्य करें। इस दिन तुलसी के चारों ओर दीप जलाने से मृत्यु के पश्चात अंधकार का नाश होता है और पूर्वजों को शांति मिलती है। भगवान विष्णु को तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, परंतु ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अंत में जो लोग संतान सुख, वैवाहिक जीवन में सफलता, कोटक चहरी के मामलों में समाधान, रोजगार या आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयासरत हैं, वे इस दिन विशेष पूजा और दान करें। भगवान विष्णु जी की पूजा से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन तुलसी का पौधा पीले वस्त्र में बांधकर घर या कार्यालय में रखने से नौकरी और व्यवसाय में उन्नति होती है। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय माता तुलसी। देवउठनी एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।